किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम जगतराम, गांव नसीरपुर, पोस्ट ऑफिस कुंजपुरा, जिला करनाल। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद वालों ने ये कल्चर ये सीसी 20 रुपए की निकाली है, परंतु लोग इसको 20 रुपए की सीसी समझ रहे हैं कि क्या करते हो, इसके कितने फायदे हैं, कैसे इसको तैयार करना है, पहले भी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। परंतु 200 लीटर पानी में सीधा 2 किलो गुड़ और एक ये सीसी डालने के बाद 2-3 दिन में ये ऐसे तैयार हो जाएगा। ये ऐसे तैयार होने के बाद जब पहला दिन होगा तो इसका पानी का रंग काला होगा, परंतु दूसरे दिन थोड़ा साफ, तीसरे दिन फिर ये क्रीम रंग बन जाएगा इसका। इसको हम लोग जो है खड़ी फसल में स्प्रे में प्रयोग करें, चलते पानी में करें, जीव अमृत में मिला के करें, पेड़ पौधों पे करें। क्यों करना है, कैसे करना है, इसके क्या फायदे हैं, अभी खेत में जा रहे हैं, मैं वो आपको फसल दिखाऊंगा, इसका काम का तरीका बताऊंगा, क्यों ज़रूरी है ये सब चीज़ें हम आगे खेत में पूरी करेंगे। वो जो ड्रम हमने बनाए हैं, उन ड्रम को बनाने के बाद डालने का जो तरीका है, आप स्प्रे भी कर सको खेत में, जैसे इधर देखो ये खेत में खुला भी डाल सको। ये जो फसल खड़ी है, ये मूंग है, वो चारा खड़ा है, परंतु मैं ज़्यादातर स्प्रे करने की बजाय वृक्ष के जो फलदार वृक्ष उन पर तो मैं स्प्रे करता हूँ, परंतु ज़्यादातर मैं इसको कैसे डालता हूँ, उन ड्रमों के पास कंप्रेसर है, उस कंप्रेसर में से पाइप लाके मैं रख देता हूँ, साथ में टिवाल चलता और साथ में उसका प्रेशर चलता रहता, पानी के साथ मिलके एक खेत में ये 2000 लीटर लगभग हम पूरा कर देते हैं। एक एकड़ में एक वर्ष में 2000 पूरा करो, एक बार में करो, दो बार में करो, तीन बार में करो। करना जरूरी क्यों है, मेन बात ये जानने वाली है। 50-60 वर्षों से इससे पहले इतना नहीं था, और खासकर 30 वर्षों से हमने जो जमीन की बर्बादी करी है ना, बेशुमार पेस्टिसाइड, बेशुमार फर्टिलाइजर डाल के बिना समझ के पूरी जमीन में फंगस है जी। राष्ट्रीय जैविक खेती वाला ने जो ये कल्चर निकाला है, फंगस जो निकाली है, ये तीन चीज मिला के, लोहे को जैसे लोहा काटता है ना, प्लास्टिक से लोहा कभी नहीं कटता, लोहे को जैसे लोहा काटता है, जमीन में जो फंगस आई है ना, इसके 20 रुपए वाली सीसी जो ये कल्चर है ना, यही इसको खत्म करेगा, ये गारंटी है। मैंने जो महसूस किया, मैंने जो देखा है कि एक साल बाद जो आप चर बैग यूरिया, एक डीएपी, डेढ़ डीएपी डाल रहे हो ना, सिर्फ 35 किलो डीएपी एक यूरिया दो बार में अपनी गेहूं में डालो, चावल में डालो, बराबर फसल होगी। 50% की बजाय 60% आपकी, अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हो, आपकी खाद की बचत क्लियर है जी। अजमा के देखो, मेहनत है थोड़ी, खर्चा कुछ नहीं है। उसके बाद टंकी जो हमारी कमर पे बंधी हुई है ना, जो हम ये दवाइयाँ वगैरह डालते हैं, 80% इससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि जब ज़मीन शुद्ध होगी, जब ज़मीन बीमार ही नहीं रहेगी, बीमार की वो जब स्वस्थ हो जाएगी, जरूरत नहीं है उसमें कुछ भी मतलब गंद वगैरह डालने की, ऐसे ही फसल स्वस्थ होगी। कुछ मैं आपको पौधे, कुछ और फसलें इस डी कंपोजर और जीव अमृत जैसे मैं तैयार कर रहा हूँ, और आगे आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये देखो जी, हमने इस खेत में देसी खाद भी डाला है, वैसे जो डी कंपोजर से हमने 2 महीने में तैयार कर दिया था, फिर उसके बाद इसमें हमने हल्दी लगाई है। हल्दी जब तक होगी तब तक हम ये मक्की की फसल ले लेंगे, कितनी अच्छी मक्की है इसमें, और जमीन को कितनी पोली बना देता है ये देखो आप, हाथ से कर सकते हैं इसको, बिल्कुल पोली मिट्टी, मतलब ये फुक्की बनाता है जमीन। और इसमें जैसे स्प्रे तो मैं नहीं कर सका, स्प्रे तो मैं नहीं कर सका, इसमें पानी के साथ दिया था मैंने, और ये देखो मिट्टी कितनी मतलब पोली मिट्टी बना दी है। ये जो आम के पेड़ दिख रहा है, ये इसके ऊपर मैंने इसके 2 स्प्रे किए हैं, उधर अनार हैं या पपीता जो भी है, सब उसके स्प्रे किए हैं, बहुत अच्छा फल है, पिछले साल के मुकाबले फल में कुछ अब की बार अच्छा दम है। इसी के पीछे ये है चकोतरा, देखो ये चकोतरा, ये चकोतरा रहा है, ये स्वस्थ चल रहा है, ये इधर रहा है, ये लगे हैं देखो, ये 4-5 किलो का पीस तैयार होगा जब पूरा पकने के बाद, तो मैं इस पर इन्हीं का स्प्रे करता हूँ। खाद, रासायनिक खाद तो हम 10 रुपये का भी हमने मतलब खरीदना ही बंद कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ जीव अमृत चलाते हैं, कुछ डी कंपोजर जो काम कर रहा है, इसमें मेहनत कम है और काम ये ज़्यादा कर रहा है, बहुत अच्छा इसके रिजल्ट आ रहे हैं, ये आपके सामने है। तो मैं आप भाइयों से एक ही बात कहूँगा, किसान भाइयों से, कि आप
इस 20 रुपए की सीसी मैंने जो दिखाई थी, इसको जो भी दी मैंने बताई थी, उस तरीके से खेत में इस्तेमाल करो। आपका एक साल बाद, जब एक साल में आप 2000 लीटर जैसे मैंने बोला था डाल लो एक एकड़ में, थोड़ा थोड़ा करके डाल लो। अब जीरी का मौसम है, चावल का, धान का, थोड़ा थोड़ा करके पानी के साथ डालते रहो। एक साल के बाद यह गारंटी है कि आपका 50% खाद का खर्चा पक्का बचेगा और 80% के करीब जो मैंने बताया था दवाई का बचेगा। नहीं तो कब तक कितना खर्चा कर करके कैसे किसान की जेब में पैसा आएगा, इस तरीके से नहीं आएगा। किसान बिल्कुल बर्बाद हो लिया है जी, ये ज़मीन संवारनी पड़ेगी। ये संवरने के बाद इसमें से जो अनाज, दाल, तेल, फल, जो भी हमें खाने को मिलेगा वो शुद्ध मिलेगा, बिना जहर का मिलेगा। फैसला आपका है, करना अपने है। हमने जो किया हम आपको बता रहे हैं। ये देखो जी, ये पपीते का पेड़ है, पिछले वर्ष इस पर जितना पपीता लगा ना, एक भी पपीता हम इसका खा नहीं सके। मीठा मीठा फल बना ही नहीं है, क्योंकि फंगस इतनी ज़्यादा थी। आपकी बार भी देखो, ये देखो ये फंगस जो आ रही है ना, इससे फल पक ही नहीं सकता। परंतु इस पर जैसे मैंने इसका स्प्रे वगैरह किया, फिर भी सुधार आ गया, कुछ मिठास आई है। और इसके साथ जो पेड़ है, ये पूरा का पूरा संवर गया जी, इसका बिल्कुल मीठा और स्वादिष्ट बन गया। और देखो सफाई भी कितनी है, अभी इसमें से कितने हमने खा भी लिए हैं, तो ये बढ़िया चल रहा है जी। तो ये जो इसकी फंगस थी ना, जैसे मैं बता रहा था कि जो फंगस बनाई, ये फंगस को ख़त्म करने के लिए, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे फसल हो, फंगस तो ज़मीन में से निकल रही है ना, पैदा तो सब यहीं से हो रहा। इस फंगस को ख़त्म करने के लिए वेस्ट डीकम्पोजर का प्रयोग तो हमें करना ही पड़ेगा, तभी हमारी जो है ना ये पेड़ पौधे फसल तभी बचेंगे, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और मेरे साथ आगे और दिखाता हूँ। ये देखो जी, ये मूंग बोने से पहले मैंने इसमें जो 1800 लीटर डाला था, पड़ेवा जिसको कहते हैं ना, यानी जब खेत में पानी छोड़ा और पानी छोड़ने के बाद जब ये खेत बतराया, फिर इसमें मूंग बोई और मूंग पे अभी ये फल आना शुरू हुआ, अभी शुरुआत है। ये बिना किसी भी खाद के, बिना किसी सारे के, कुदरती तरीके से जिस ऑर्गेनिक बिल्कुल हमारी मूंग तैयार हो रही है। इससे पहले इसमें चने थे और चने से खेत ताकतवर होता ही है। इसके बिल्कुल पीछे ये चारा खड़ा है, ज्वार। ये देखो डीकम्पोजर का कमाल तो है ये, और कुछ चने के खेत का, ये ताकतवर खेत है। कितना सुंदर मेहंदी कलर का चारा खड़ा है, बिल्कुल मेहंदी रंग का चारा ये। और आगे कुछ पेड़ों के बारे में आगे और बताएंगे हमने ये पेड़ अलग अलग क्यों लगाए। ये देखो इधर लाइन आप, ये इसमें पूरे में कटल है, एक एकड़ में एक लाइन, और एक लाइन हरड बेरडा आंवला है, और ये उधर वो लास्ट में जो है ये सभी सिस्टम है, सिस्टम जिसको टल्ली भी कहते हैं लोग, इमारती लकड़ी। फलदार भी हो गए और ये औषधीय पौधे भी हो गए, ये सभी 20-20 फुट पे हैं। इस 20 के बीच में एक इमारती लकड़ी दी हमने बकायण, ये बकायण के पेड़ ले रखे हैं, मतलब 10 फुट पे ये आ गया बीच में। ये 5 से 6 साल में कट जाएगा, तब तक ये पेड़ ऊपर जाएंगे, उससे पहले कट लेगा, ठीक है ना। ये क्यों लेने हैं, किस लिए लेने हैं, और आगे मैं और भी आपको पौधे दिखाऊंगा, इनके बारे में बताऊंगा कि कुदरती खेती करने के लिए इनकी जरूरत क्या है, क्यों लगाने पड़ते हैं ये, वो आगे अभी मैं क्लियर करूँ। ये हर किले की जो मेड़ है ना, मेड़ जैसे देखो दूर पर, ऐसे हर किले की मेड़ पे हमने इसमें 3 किकर, 3 नीम और 3 इसमें जो है ये अपना कटल, किसी में 3 किकर, 3 नीम, 3 ढाक के पौधे लिए हैं उधर वाली लाइनों में, किसी में 3 किकर, 2 किकर, 2 नीम सिंबल बेल पत्थर और बेरी लिए हैं। क्यों लिए हैं, और ये 17 फुट पे है, सॉरी 17 फुट पे, ये किकर और नीम आपस का इनका जो फैसला 17, इसके बीच में 9 पेड़ों के बीच में ये 8.5 फुट पे सोंजना है जी। क्यों है ये खाली पौधे नहीं है, ये पेड़ नहीं है खाली, ये फ्लैट है जी, फ्लैट। मेरे खेत में जो भी सुंडी कोई कीड़ा आएगा उसको ख़त्म कौन करेगा, चिड़िया को बैठने के लिए जगह चाहिए, तो ये पेड़ हैं। हम खेत में काम करेंगे, इनकी छाँव में बैठेंगे, पक्षी जो भी आएंगे, चीड़ी गुरसल जो भी पक्षी आएंगे वो इसकी छाँव में बैठेंगे। मेरे खेत में जो कीड़ा होगा उसको वो खाएंगे और खेत की जो ताकत बनाएंगे। जैसे हमें खट्टा मीठा नमकीन तीखा कड़वा सभी चीज़ चाहिए ना, खेत को भी ऐसे कसैला कड़वा नीम के पत्ते इसमें गिरेंगे, किक्कर का कस गिरेगा, ढाक के पत्ते गिरेंगे और सौंधने के जो पत्ते गिरेंगे ना, इससे ज़मीन की ताकत बढ़ेगी। कुदरती खेती करने के लिए ये काम बड़े ज़रूरी है। पहले बहुत पेड़ होते थे परंतु आज लोगों ने काट दिया। उसके बाद चिड़िया जब इस पे घोंसले बनाएगी, फ्लैट की जो मैं बात कह रहा हूँ,
एक चिड़िया जब खेत में सुंडी आती है ना, आप कभी नोट कर लेना, देख लेना, एक मिनट में 5 कीड़े खाती है जी, और हर 4 कीड़े खाने के बाद वो लैटरिंग करती है। मैं तो उसे क्या फ़ायदा हुआ, मेरे खेत से कीड़े ख़त्म हो रहे हैं जी, और मेरे खेत की उपजाऊ शक्ति वो लैटरिंग करके बढ़ा रही है। उनके लिए फ्लैट तो चाहिए ना, तो हमने पक्षियों के फ्लैट बनाए हैं जी, हर मेड पे, खेत के बीच में नहीं है, इधर देखो आप, खेत के बीच में कुछ नहीं है, फिर अगली लाइन में है। तो इतना काम करना पड़ेगा, इसमें वेस्ट डीकम्पोजर से आप काम करो, जीवामृत से आप काम करो, ये गारंटी है कि आने वाले टाइम में आपका रासायनिक खाद दवाई जो भी सामान है उससे बिल्कुल पेंडा छूट जाएगा। मैंने तो बिल्कुल 10 रुपए का भी बाजार से लेना बंद कर दिया है। अभी थोड़ी फसल कम है, कोई बात नहीं, दाम अच्छे मिल जाते हैं। 8 साल का सफ़र है मेरा ये, जो मैं इस काम को करते करते, और 2 साल में हम इसको क्लियर कर देंगे, और मुझे उम्मीद है सेहत अगर साथ दे, 1 लाख रवि, 1 लाख खरीफ, ये हम यहाँ पर क्लियर करके दिखाएंगे देसी तरीके से। हार्ड वर्क है खेती, परंतु रासायनिक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कहते हैं लोग, ये उससे ज़्यादा है, और हम इसको बिल्कुल स्मार्ट वर्क करके दिखाएंगे। तब कहेंगे 0 बजट, तब कहेंगे कुदरती खेती। 2 साल और लगेंगे, 2 साल में हम इसको क्लियर कर देंगे, और इसमें रसायन से काम थोड़ा कम कर देंगे, अपने आप ही कुदरती तरीके से अच्छी फसल होगी। परंतु फसल चक्कर घुमाना पड़ेगा, गेहूं जीरी ये नहीं चलेगा, अनाज की फसल लेनी पड़ेगी, दाल की लेनी पड़ेगी, तेल की लेनी पड़ेगी, ज़मीन को भी अलग अलग चीज़ की जड़ चाहिए, और जलाने का तो काम ही नहीं है, अलग अलग जड़ चाहिए। तेल और दाल की फसल से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है जी, बहुत ताकतवर होता है। ये आपके सामने है डी कंपोजर का कमाल, और जो दलहन की इसमें यानी छोले चना जिसको हम कहते हैं उसकी जो फसल थी, कितना ताकतवर है खेत, कितनी मेहंदी रंग के ये चारा खड़ा है, और मूंग मैंने जो दिखाई थी, ऐसे थोड़ा हमने इस तरीके से काम करना पड़ेगा, तभी किसान की जेब में पैसा आएगा, नहीं तो निकलता ही रहेगा। कोशिश करो, हम भी ऐसा कर रहे हैं, यहाँ से निकलना, इसको बंद कर दो, यहाँ डलता रहे, आना शुरू करो, तब किसान बचेगा। मोदी जी का सपना है कि मैं 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करूँगा, और मैं प्रभु से डर के कह रहा हूँ कि हम 2022 तक तो उसको 6 गुनी कर देंगे जी, 6 गुनी। 2020 में हम इसको 3 गुनी कर चुके हैं, ये समझ लो आप, अभी तो 18 चल रहा है, अगर जो प्लान है ना 2020 में हम इसको 3 गुनी से 4 गुनी कर देंगे, 22 तक तो हम जो है ना मोदी जी के सपने को और भी बड़ा बना देंगे, 6 गुनी लेंगे, 6 गुनी, 2 गुनी नहीं, 3 गुनी नहीं, 4 गुनी काम चलेगा, तब कहेंगे ऑर्गेनिक, और तब कहेंगे हाँ किसान की जेब में पैसा आया शुद्ध। किसी काम में पैसा मिलता है, किसी काम में इज्जत मिलती है, और देसी खेती करने से, कुदरती खेती करने से, ऑर्गेनिक खेती करने से इज्जत फ्री मिलेगी और पैसा अच्छा मिलेगा, इज्जत करेंगे लोग आपकी, शुद्ध अनाज, शुद्ध दाल, शुद्ध तेल खा के। 5-4 पशु रखो देसी गाय, उनके गोबर से खाद बनाओ, डी कंपोजर का प्रयोग करो, गाय के बिना खेती नहीं और खेती के बिना गाय नहीं, काफ़ी लोग बिना गाय के खेती कर रहे हैं, नहीं चलेगा, पेशाब की जरूरत है, जैसे मैंने दिखाया था वहाँ पर, लस्सी की भी जरूरत है, जीवामृत की जरूरत है, सब चलेगा, गोबर भी चाहिए, सब चलेगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा किसान भाइयों, 1 एकड़ से बेशक आप शुरू करो, और धीरे धीरे इसको बढ़ाओ, बहुत मज़ा आएगा। ये देखो मिट्टी की जो मैं बात कर रहा था ना, ये हाथ से देखो कितनी पोली मिट्टी, कहाँ तक खड्डा लगाओ इसमें बोल लो, ये देखो ये है जी डी कंपोजर के कमाल। ये देखो जी यहाँ ये छत पे है इस समय, छत से पूरे खेत दिख रहे हैं, ये बागवाड़ा खेत जो अगस्त में 2 साल का होगा, जो मैंने दिखाया था, सभी विफल लगे हुए हैं, चारा वो मक्की, ये बड़े पौधे, इधर ये गाय का बाड़ा, इसके पीछे जो डी कंपोजर वगैरह हम तैयार कर रहे हैं, ये सब यहाँ से मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। तो ये थोड़ा मेहनत का काम है, दिल लगा के आप भी ऐसा थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करो।